दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल इजी टू लर्न में। फ्रेंड्स, वंस अगेन हम आपके सामने एक नया वीडियो लेकर आ चुके हैं और आज का जो टॉपिक है वो जो चल रहा था चैप्टर ऑस्किलेशन का एक टॉपिक है, बेहतरीन टॉपिक है, वो है सर्कुलर मोशन। अब सर्कुलर मोशन की इक्वेशन यानी सर्कुलर मोशन का SHM में क्या रोल है वो हम आज समझेंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले, तो मेरा नाम रमेश जैन है, तो हम आज शुरुआत करने वाले सर्कुलर मोशन। तो सबसे पहले तो ये समझे फ्रेंड्स कि जो सर्कुलर मोशन होता है यानी इस तरह की प्रकार की मोशन होती है, जैसे कोई कोई सर्कल में मोशन कर रहा है। तो ये क्या है, जब सर्कल में कोई मोशन कर रहा होता है यानी इस डायरेक्शन में यदि कोई चल रहा है, चाहे वो क्लॉक हो चाहे एंटी क्लॉक हो, तो क्या हम लोग इसे SHM कहेंगे, यानी क्या ये ऑस्किलेशन है। तो पहला तो ये समझने का प्रयास करें कि सर्कुलर मोशन, जैसे मान लो कोई पहिए का घूमना है ना, कोई व्हील है उसका घूमना, या कोई स्विंग झूले का घूमना, ठीक है, यानी कोई प्लेनेट का सर के चारों तरफ चलना, ठीक है, ये क्या सर्कुलर मोशन है। अब सर्कुलर मोशन तो है तो ये क्या SHM है, तो ये बात मैं क्लियर कर दूं फ्रेंड्स ये अच्छी तरह से कि सर्कुलर मोशन इज नॉट एन ऑस्किलेशन। मतलब कि सर्कुलर मोशन जो है यानी वृत्तीय पथ में गति करना, वृत्तीय गति करना एक दोलन गति नहीं है, ठीक है। सर्कुलर मोशन कोई ऑस्किलेशन नहीं है, वृत्तीय गति जो है वो कभी भी दोलन गति नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, इसके बहुत सारे कारण हैं। देखो ये क्योंकि ऑस्किलेशन में क्या होता है, एक मीन पॉइंट के दोनों तरफ आपको मूवमेंट करना पड़ता है, दोनों तरफ, यानी इसको हम लोग बोलते हैं टू एंड फ्रो मोशन, आगे पीछे गति करना। सर्कुलर मोशन में ऐसा कुछ भी नहीं होता। हाँ, सर्कुलर मोशन निश्चित, सर्कुलर मोशन एक पीरियडिक मोशन है, ये एक जो है वृत्ति गति जो है एक आवर्ती गति तो है, निश्चित है आवर्ती गति है, लेकिन ये ऑस्किलेशन नहीं है, ये SHM नहीं है, ना तो ये ऑस्किलेशन है ना तो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है, ये एक पीरियडिक मोशन है, ये एक पीरियडिक मोशन तो है बट ये SHM नहीं है। पीरियडिक मोशन तो है बट नॉट SHM और ऑस्किलेशन। तो ये फ्रेंड्स क्लियर हो गया क्या कि सर्कुलर मोशन इज ओनली या मे बी पीरियडिक मोशन बट नॉट SHM, नॉट ऑस्किलेशन। ये आवर्ती गति तो है लेकिन ये क्या नहीं है, ना तो SHM सरल आवर्ती गति ना तो दोलन गति। क्यों, यदि SHM होता, यदि ये SHM होता तो इसका फॉर्मूला होता है एक्स बराबर से ए साइन ओमेगा टी, या एक्स बराबर से ए कॉस ओमेगा टी, या x बराबर से a साइन ओमेगा t प्लस फाई, और ये डिस्प्लेसमेंट होता, यदि उसमें फोर्स होता तो माइनस के एक्स होता, यदि उसका एक्सेलरेशन होता तो माइनस ओमेगा स्क्वायर x होता, यदि इसकी वेलोसिटी होती तो ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर होती, ठीक। लेकिन ऐसा नहीं होता क्योंकि उसमें तो जो फोर्स लगता है वो क्या लगता है, आप लोगों ने सुने हो ना यहाँ पर, यानी इस तरह का था F बराबर से होता है एम बी स्क्वायर बटे आर, इसका तो ये फोर्स निकलता है, और इसमें जो एक्सेलरेशन निकलता है वो बी स्क्वायर अपॉन आर निकलता है, ठीक है। तो ये फोर्स है, ये इसका एक्सेलरेशन है, ये तो कहीं से लेकर कहीं तक नहीं है, तो इसका मतलब ये तो तय है कि ये SHM नहीं है। फिर इसमें पढ़ने की क्या जरूरत है, ठीक है, मतलब सर्कुलर मोशन को ऑस्किलेशन वाले चैप्टर में नहीं होना चाहिए था, लेकिन फिर भी इसका कहीं ना कहीं रिलेशन तो है, और वो किस टाइप का रिलेशन है वो हम समझेंगे, ठीक है। तो देखिए सर्कुलर मोशन तो निश्चित ही नहीं है, ये तो मैंने आपको बता दिया कि सर्कुलर मोशन एक
ऑस्किलेशन नहीं है। लेकिन 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 सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो ये है कि इसमें सर्कुलर मोशन तो नहीं, लेकिन सर्कुलर मोशन का प्रोजेक्शन। देखो मतलब सर्कुलर मोशन का जो प्रोजेक्शन है उसको चेक करते हैं क्या वो SHM है। देखो सपोज करो कि यहाँ पर कोई पार्टिकल है, अब पार्टिकल यहाँ पर ये P1 पॉइंट पर है, ठीक है। अब ये A पॉइंट पर मान लो आप, तो ठीक है A पॉइंट पर, और इसका प्रोजेक्शन देखो यहाँ पर X एक्सिस के अलावा, तो ये अपन मान लेते हैं P1। फिर ये थोड़ा सा आगे बढ़ता है और ये B पर आ जाता है, इसका प्रोजेक्शन देखो P2, ठीक है। अब इसका ये आ जाता है मान लो C पर, इसका प्रोजेक्शन देखो यहाँ पर, तो ये कितना निकलेगा, ये P3। ये इस पॉइंट पर आ गया, इसका पोजीशन यहाँ पर मान लो P4। फिर ये और आगे आ गया, यहाँ पर D पर मान लो, यहाँ पर E पर मान लो, तब यहाँ पर इसका पोजीशन मान लेते हैं अपन P5। यहाँ पर यदि मान लो F पर आ गया तो इसका पोजीशन मान लेते हैं यहाँ पर कितना है P6। यदि यहाँ पर आ जाता है तो इसका पोजीशन यहाँ पर मान लो ये F है, तो ये इसको हम लोग P7 मान लेते हैं। यहाँ पर यदि मान लो आ गया तो इसका पोजीशन यहाँ पर H, तो इसका पोजीशन अपन P8 मान लेते हैं। तो देख रहे हैं, अब इसका प्रोजेक्शन को देखो आप, पहले ये P1 गया, फिर P2 गया, फिर P3 गया, फिर वहाँ से वापस आया, फिर P4 गया, ये गया इस तरफ गया, फिर ये वापस आया, फिर इस तरफ बढ़ रहा है, फिर ये इस तरफ बढ़ रहा है, और ये फिर इस तरफ बढ़ के फिर वापस आ रहा है, वापस आ रहा है। मतलब ये देखो आपका, इसको हम लोग यदि मीन पोजिशन मान लें, तो मीन पोजिशन से P1 पे गया, ठीक है, फिर P2 पे गया, फिर वापस P3 पे आया, फिर P4 पर आया, ठीक है। अब P4 पर आने के बाद ये कहाँ पर गया, P5 पर गया, फिर ये किस पर गया, P6 पर गया, फिर वापस ये P7 पर आया, फिर ये P8 पर आया, फिर ये मीन पोजीशन पर आया। मतलब क्या लगता है कि इसका जो प्रोजेक्शन है वो यूज एंड थ्रो नहीं है, है। इसका जो प्रोजेक्शन है यहाँ पर P1 और P2 पे जो आया वो क्या आपका यू टू एंड फ्रो मोशन नहीं है, बिल्कुल है, ठीक है, ये बिल्कुल स्पष्ट है, तो समझ में आ गया। तो सर्कुलर मोशन तो नहीं है सिंपल हार्मोनिक मोशन, लेकिन उसका प्रोजेक्शन जरूर टू एंड फ्रो मोशन है या ना ऑस्किलेशन है, इसलिए हम इसको यहाँ पर पढ़ते हैं, ठीक है। अब इसका मतलब ये हुआ कि यदि ये है सर्कुलर मोशन, यदि इसका प्रोजेक्शन यदि क्या है SHM है, तो फिर निश्चित रूप से इसको SHM कि पूरी कंडीशन फॉलो करनी पड़ेगी। मतलब फिर वही मैंने बताया, इसमें फोर्स बराबर से लाना ही पड़ेगा, माइनस के एक्स लाना पड़ेगा, ओमेगा स्क्वायर एक्स इनमें से, और जो फोर्स है वो हमेशा मीन पोजीशन की ओर लाए, एक्सेलरेशन हमेशा टूवर्ड द मीन पोजीशन काम करे, ठीक है। तो देखते हैं, तो यदि ऐसा है तो मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई एक पार्टिकल, ठीक है, ये अपन ने एक सर्कुलर मोशन का पाथ अपन ने बना दिया, ठीक। अब यहाँ पर एक पार्टिकल है, ठीक है, पार्टिकल को ए पोजीशन मान लेते हैं, और यदि ये ए पोजीशन पर है तो इसका जो प्रोजेक्शन होगा यही होगा प्रोजेक्शन, ठीक है, इसका जो प्रोजेक्शन होगा यहाँ पर पी मान लो, इसका प्रोजेक्शन कितना होगा, यदि इसका एम्पलीट्यूड हमने ए मान लिया, ठीक है, इसका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम ए होता है, और ये इस पॉइंट से कितना एंगल बना रहा है, सपोज करो थीटा एंगल बना रहा है, तो यदि ये थीटा एंगल बना रहा है तो ये इस लाइन से, तो ये देखो यहाँ पर जिसके साथ बेस के साथ ये एंगल बनता है, यानी ये वाली लाइन, यानी वाई एक्सिस के साथ ए बना रहा है और एक्स एक्सिस के साथ इस तरफ बना रहा है, तो क्या हम इसे ए कॉस थीटा नहीं लिख सकते, क्या हम इस लाइन को ए साइन थीटा नहीं लिख सकते क्या, यस लिख सकते हैं। तो इसका जो प्रोजेक्शन होगा, देखना ये वाला जो प्रोजेक्शन है, ये जो प्रोजेक्शन है यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस ए साइन थीटा है, मतलब एक्स एक्सिस पे इसने कितनी डिस्टेंस कवर किया, ए साइन थीटा, ठीक है, और साइन थीटा हम मान के चल रहे थे कि ये मीन पोजीशन है ना, ये कौन सी पोजीशन है इसकी, मीन पोजीशन, देखो कहीं से भी स्टार्ट कर सकता कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमने मान लिया उसको कि वो मीन पोजीशन है। तो अच्छा,
एक बात है कि आप लोगों ने यानी एंगल बराबर से एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़े होंगे। सपोज करो कि एंगल के अलावा मतलब एंगल अपॉन टाइम बराबर से होता है एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी मतलब ओमेगा बराबर से होता है थीटा अपॉन टाइम, यानी थीटा बराबर से होता है ओमेगा इंटू टी। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, एक्स बराबर से ए साइन ओमेगा टी। तो फ्रेंड्स ये तो है, ये तो निश्चित रूप से किसकी इक्वेशन है, ये तो डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन है। और यदि मान लेते, ठीक है, और यदि ये मान लेते कि हम इस एक्सेस पे वाई एक्सेस पे लेते, तो ये यहाँ से यहाँ तक इस वाई एक्सेस पे लेते तो ये प्रोजेक्शन यहाँ से यहाँ तक आ जाता, वाई डिस्टेंस आ जाती, तो वाई इजिकल टू यानी वाई इजिकल टू कितना आ जाता फ्रेंड्स, वाई इजिकल टू आ जाता ए कॉस ओमेगा टी। तो ये भी क्या होता, ये भी इसी की इक्वेशन होती है ना, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ही डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन होती है। अच्छा, इसके अलावा ये तो मैंने आपको बता दिया डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन क्या है। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन यदि SHM की है तो इसका मतलब है इसका प्रोजेक्शन क्या है, प्रोजेक्शन इसका SHM कर रहा है। ठीक, ये तो क्लियर हो गया फ्रेंड। और यदि मान लेते हैं कि इसकी मीन पोजिशन वो नहीं है, कहाँ पर, जहाँ पर हमने माने थे कि ये जो है, हमने ये माने थे यहाँ पर कि मीन पर, और मान लो वो मीन से चालू नहीं करता है, सपोज करो ये x बराबर से 0 यहाँ से चालू करता है, तो आपको ये वाला जो एंगल है ये हमेशा फाई को याद रखना है कि ये एंगल क्या है, फाई। ठीक है, तो ये जो है सपोज करो कि ये एंगल यहाँ से यहाँ तक चल चुका है। ठीक है, तो जहाँ पर भी ये इनिशियल पोजिशन पर होगा, आप लोगों ने पढ़े भी होंगे कि फाई को हम लोगों ने क्या माने थे, इनिशियल फेस, क्या माने थे इसको हमने, इनिशियल फेस माने थे। ठीक है, और फाई प्लस थीटा इसको हमने क्या माने थे, फेस। ठीक है, ये फेस होता है। तो यहाँ का जो प्रोजेक्शन आया है ये, तो ये जो प्रोजेक्शन यदि ये ए है, ये जो लाइन है ये तो आपकी ए है। ठीक है, तो इसका जो प्रोजेक्शन होगा अब क्या होगा, अबे पूरा टोटल एंगल लेना पड़ेगा यहाँ पर तो। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक चला ना ये, तो ये हो जाएगा, ये पूरा प्रोजेक्शन क्या हो जाएगा, ए साइन, ध्यान देना यहाँ पर, ए साइन अब पूरा एंगल यानी थीटा प्लस फाई, ये पूरा लेना पड़ेगा एक्स एक्सिस पे। तो एक्स बराबर से हो जाएगा ए साइन थीटा प्लस फाई। ठीक है, और थीटा की वैल्यू अभी अभी मैंने आपको बताया कितनी है, ओमेगा टी, यानी एक्स बराबर से हो जाएगा ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक है, तो ये फ्रेंड्स हमारा निकल गया क्या, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन। ठीक है, तो फ्रेंड्स मैंने आपको यहाँ तक बता दिया कि ये दोनों इस तरह से निकाले जा सकते हैं। अब हम इस पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स भी देखते हैं। पहला एक न्यूमेरिकल है, मान लेते हैं कि आपका जो टाइम पीरियड है वो है 4 सेकेंड। ठीक है, और जो आपका एम्पलीट्यूड है वो है आपका 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आप जल्दी से इसकी डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन क्या बनेगी, जल्दी से बना दे, तो ए बराबर से सपोज करेंगे तो ये इसकी अभी मीन पोजीशन है मान लो। ठीक है, ये हमने अभी क्या माने, मीन पोजीशन, यानी यहाँ से टी बराबर से 0 मान लिए, तो ये यहाँ से यहाँ तक चलता है, तो कितना चला इसने, थीटा चला, थीटा एन ओमेगा टी चला। तो ठीक है, तो एक्स बराबर से उसका एम्पलीट्यूड कितना मान रहे हैं अपन, ए मान रहे हैं, तो ए साइन ओमेगा टी, क्योंकि फाई क्या मान लिया, तो एक्स बराबर से ए की वैल्यू हो गई 2 और साइन ओमेगा टी, अब ओमेगा की वैल्यू लिख दो आप 2 sin 2π अपॉन कैपिटल टी, कैपिटल टी, और अगली बार में उसकी वैल्यू हो जाएगी एक्स बराबर से 2 sin 2π t अपॉन कितना जाएगा, 4 सेकंड दिया तो यहाँ पर 2 से 4 दो बार कट जाएगा, तो वैल्यू आ जाएगी एक्स बराबर से 2 sin π/2t। ठीक है, ये बन जाएगी। चलिए, ऐसे यदि मान लेते कि इस बार यदि वो मीन पोजिशन से स्टार्ट नहीं हुआ होता, मान लेते हैं कि फाइव बराबर से 30 डिग्री दी गई। ठीक है,
मतलब कि ये जो है ये यहाँ से स्टार्ट हुआ होता है ना, टी बराबर से जीरो ये डी होती, तो ये फाई की वैल्यू हो जाती, तो आपकी वैल्यू कितनी होती, यानी एक्स बराबर से 2 सेंटीमीटर, टी बराबर से 4 सेकेंड, तो आपकी वैल्यू सिंपल सी ये बनती है, एक्स बराबर से ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई, ठीक है, तो ए की वैल्यू हो जाती 2 और ओमेगा की वैल्यू हो जाती 2 पाई अपॉन, यहाँ पर 4 आ जाता, ठीक है, और स्मॉल टी प्लस, और फाई की वैल्यू कितनी जाती है यहाँ पर 30, ठीक है, यहाँ 2, तो ये हो जाता 2 साइन, ये 2 से 4 कट जाता, पाई बाई 2 आ जाता, और साथ में हम इसको रेडियन में पाई बाई 6 लिख सकते हैं, ठीक है, तो ये वैल्यू आ जाती यदि ये इनिशियल पोजीशन से स्टार्ट नहीं होता। एक आपको सर्कुलर मोशन दिया गया है और ये बोला गया है कि जो पार्टिकल है इस पॉइंट से चलना चालू करता है, यानी टी बराबर से 0 पर ही एक्स एक्सिस पर है, ठीक है, तो अब ये यहाँ से चलना चालू करता है, और वो भी किसकी तरफ चलता है, ये पॉजिटिव एक्स की तरफ चलना चालू करता है, यानी पॉजिटिव एक्स की तरफ, ठीक है, इसकी जो डायरेक्शन है पॉजिटिव एक्स की तरफ चलना चालू करता है, और आज का एम्पलीट्यूड दिया गया है वही 2 सेंटीमीटर और टाइम पीरियड दिया गया है 4 सेकेंड, ठीक है। अब यहाँ से चलना चालू करता है तो फ्रेंड्स देखो, यहाँ से ये वाली तो वैल्यू हो गई फाई की वैल्यू, ठीक है, और ये वैल्यू हो जाएगी इसकी थीटा की वैल्यू, ठीक, तो क्या फॉर्मूला बनेगा, एक्स बराबर से, इसका प्रोजेक्शन तो यही निकलेगा, ठीक है, प्रोजेक्शन तो यही होगा ना, तो एक्स बराबर से ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई, तो फाई की वैल्यू दिख रही है 90, तो एक्स बराबर से ए साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2, और आपको पता है कि एक्स 90 प्लस थीटा, यानी साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, तो साइन ओमेगा टी, ठीक है, तो ये आपका आ गया डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन, ठीक है, क्लियर है। तो इसके अलावा आप ये देखो ना, मान लो सपोज करो कि ये आपका क्या है, इसको तो आप छोड़ो ना, ये वाली वैल्यू देखो, ये वैल्यू मान लो यहाँ से यहाँ तक की जो वैल्यू है ओमेगा टी है, तो ये यदि ए है, ठीक है, तो ये वाला क्या होगा, कॉस तो होगा यहाँ पर, तो ए कॉस ओमेगा टी है ना, क्लियर ना, यहाँ पर ये वैसे भी क्या निकल रहा था, ए कॉस थीटा ही निकल रहा था, मतलब इस तरह से मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, ये ए हो गया, ये थीटा हो गया, तो ये वैल्यू क्या होगी, ए कॉस थीटा होगी, और कॉस थीटा यानी इसी को तो ओमेगा टी लिखते हैं, वैसे आप डायरेक्ट भी निकाल सकते थे, ठीक है, जोड़कर। चल अगला देखते हैं, अगले क्वेश्चन में आपको एक सर्कुलर पाथ में दिया गया है कि जो पार्टिकल है वो इस पॉइंट पर है, यहाँ पर, ठीक है, अब यहाँ पर है टी से 0 पर है ये, यहाँ पर, ठीक है, और एम्पलीट्यूड वही दिया गया आपको 2 सेंटीमीटर, और टाइम पीरियड आपको दिया गया है 8 सेकेंड, चलिए एम्पलीट्यूड क्या है इसका, ए है, तो अब आपको बताना है कि यहाँ पर तो है वो ऑलरेडी, तो यहाँ से ही आगे बढ़ेगा वो, है ना, तो ये कितना हो गया, ये तो हो गया आपका 180, और ये हो जाएगा सपोज करें ये आपको निकालना है ना, ये टोटल 5 हो जाएगा क्या, तो इसका एंगल वैल्यू फ्रेंड्स गिवन है, देखो फ्रेंड ये वाली जो वैल्यू गिवन है यहाँ से यहाँ तक, ये आपको दी गई है 45 डिग्री, ठीक, तो अब आप यहाँ पर इसका प्रोजेक्शन निकालोगे, यही तो बनेगा इसका प्रोजेक्शन, है ना, तो आपको ये प्रोजेक्शन की वैल्यू निकालनी है यहाँ से यहाँ तक कितना है, अब आपको देख रहे हैं आप ये माइनस एम्पलीट्यूड वाले सेक्शन में है, तो माइनस भी वैल्यू आनी चाहिए, तो एक्स बराबर से ए साइन, अब आप देखो यहाँ पर 180 तो हो ही चुका है, 180 प्लस ये 45 हो चुका है, और उसके बाद ये आगे कोई थीटा चलेगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक्स इक्वल टू ए, यहाँ पर 180 प्लस थीटा, इसको थीटा मान लो ये पूरे को, साइन 180 प्लस थीटा क्या होता है फ्रेंड्स, 180 प्लस थीटा में करेंगे तो माइनस साइन थीटा होता है, तो माइनस साइन पाई बाई 4 प्लस ओमेगा टी, ठीक है, तो
यानी x बराबर से माइनस ए साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय फोर लिख लो, जैसा आपको सही लगता हो। तो ये क्या हुआ, ये भी एक्चुअल में एक प्रकार का क्या डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन है, ठीक। अच्छा, इसी टाइप के एक और क्वेश्चन में मान लेते हम कि यहाँ पर इस बार जो है पार्टिकल ये यहाँ पर है x बराबर यानी t बराबर से जीरो पर ये वाली पोजीशन पर है, तो ये वाली वैल्यू तो इसमें 180 हो चुकी है। यहाँ से वो चलना चालू करेगा नेगेटिव x की तरफ, ये क्या जा रहा है, नेगेटिव x की तरफ जा रहा है। तो नेगेटिव x आपको दिख रहा है यहाँ पर, तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, फिर वही बनेगी x बराबर से a साइन ओमेगा t प्लस यहाँ पर 180 आ जाएगा, 180 आएगा तो क्या हो जाएगा, a साइन 180 माइनस 180 प्लस थीटा क्या हो जाता है, माइनस साइन थीटा होता है, माइनस a साइन ओमेगा t। तो ये सी वैल्यू आ गई। चलिए तो फ्रेंड्स, ये अब आप समझ गए होंगे किस टाइप से ये सवाल सॉल्व किए जाते हैं, ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा सा कुछ डिफरेंट टाइप के सवाल कि इसमें क्या गिवन है, एक पार्टिकल जो है SHM यानी सर्कुलर मोशन कर रहा है और उसकी t बराबर से जीरो पर x की वैल्यू है 0 बराबर से a by 2 गिवन है, ठीक है, आपको ये गिवन है और ये बोला गया है कि ये जो है ये पॉजिटिव x की तरफ मूव कर रहा है, पॉजिटिव x की तरफ ये मूव कर रहा है। तो आपको इक्वेशन बनाना है, तो क्या बनेगा फ्रेंड देखो, तो ये जो है यहाँ पर अब a by 2 पर है, इसका मतलब है कि इसकी पोजिशन यहाँ कहीं होगी। यदि ये a देखो, ये तो पूरी वैल्यू a हो गई, तो ये a by 2 कर भी यहीं आएगा, तो इसका पोजीशन यहीं आएगा, ठीक है। तो ये जो वैल्यू गिवन है, क्या बोल रही है, a by 2 आधी गिवन है यहाँ पर चला है, यदि यहाँ पहुँच चुका होता तो a हो जाता, लेकिन वो तो ऊपर ही है, ठीक है। अब आपको x बराबर से है a sin omega t plus phi, तो पहले आपको phi डिसाइड करना है। इसके मैं आपको दो तरीके बताता हूँ। पहला तरीका है t बराबर जीरो पर a by 2 है, तो यहाँ पर x की जगह क्या लिख दो, a by 2 a sin और t की जगह जीरो, तो यहाँ पर phi बचेगा, a से a कट जाएगा, sin phi की वैल्यू कितनी हो रही है, 1 by 2 हो रही है, तो sin के किस एंगल का मान 1 by 2 होता है, अब आप जल्दी बता दो। तो sin के या तो 30 का मान 1 by 2 होता है या 150 का मान होता है, दो होते हैं, यानी या तो ऊपर वाला पॉइंट हो रहा है या नीचे वाला पॉइंट हो रहा है, ठीक है, ये दोनों हो सकते हैं, यहाँ पे भी हो सकता है यहाँ पे, लेकिन अब वो बोल क्या रहा है कि ये पॉजिटिव एक्स तरफ है, इसका मतलब है कि ये वाली जो वैल्यू जा रही है ये तो पॉजिटिव एक्स की तरफ जा रही है, और ये जो जा रहा है वो कहाँ जा रहा है, ये नेगेटिव एक्स की तरफ जा रहा है, मतलब ये वैल्यू पॉसिबल नहीं है, यही पॉसिबल है। तो इसका जो करेक्ट एंगल होगा ये क्या होगा, तो एक्स बराबर से a साइन ओमेगा t प्लस 30 वैल्यू होगी, ठीक है, ये क्लियर है यहाँ पर। तो ये अच्छा, अब यदि यहाँ पर फिर वो दिया हो a बराबर से 2 सेंटीमीटर दिया हो, t बराबर से यहाँ पर सपोज करो 8 सेकंड दिया हो, तो अब यहाँ पर वैल्यू रख दो, तो x बराबर से 2 साइन ओमेगा t की वैल्यू कितनी होगी, 2 पाई अपन कैपिटल a मैंने ए टी प्लस पाई बाय 6। चाहो तो थोड़ा और सॉल्व कर लो, यहाँ पर 2 साइन क्या आएगा, यहाँ पर t भी है यहाँ पर, है ना, तो ये हो जाएगा पाई टी बाय 4 और प्लस पाई बाय 6 हो गया। तो ये तो मैंने आपको एक तरीका बता दिया, ठीक है। इसके अलावा हम एक तरीका और भी निकाल सकते थे, देखो सपोज करो कि यहाँ पर ये बोला गया है ये a by 2 पर है, ठीक है, तो ये हो गया a, तो ये इसका प्रोजेक्शन हो गया क्या a by 2 और ये थीटा। तो देखो ये आपका दिया गया है, ये एंगल थोड़ा ध्यान से देखना यहाँ पर, इस तरह से आपको एंगल दिया गया है, तो ये आपको a by 2 है और ये आपका a है और ये थीटा आपको फाइंड करना है।
तो ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बराबर से ये दिख रहे हैं यहाँ पर बेस अपॉन हाइपोटेनियस है ना, तो ए बाय टू ए, टू ए से ए कट गया, तो कॉस थीटा के किस एंगल का मान 1/2 होता है, तो कॉस 30 का ही मान होता है, सॉरी कॉस 60 का मान होता है, यानी यहाँ पर थीटा बराबर से कितना आ गया 60, तो ये 60 आ गया, तो इसका मतलब है कि ऊपर वाला एंगल कितना रहा होगा, 30 रहा होगा, और इसी को तो हम लोग फाई बोलते हैं ना, तो थीटा बराबर से 60, तो फाइव बराबर से कितना आएगा 30, 30 यानी कितना होता है 5/6 होता है, तो यहाँ पर क्या निकल जाता है आपका एक्स बराबर से ए साइन ओमेगा टी प्लस 5/6, ठीक है, और ए और ओमेगा की वैल्यू वगैरह तो आप निकाल ही सकते हैं, ठीक है। चलिए तो ये दूसरा तरीका था, अगला देखते हैं क्वेश्चन। एक आपको सर्कुलर मोशन कर रहा है एक पार्टिकल, ठीक है, और ये बोला गया है कि उसकी जो इनिशियल पोजीशन में पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट है वो -a/√2 है, ठीक है, माइनस है मतलब इस तरह भी होगा। अब या तो देखो a/√2 सपोज करो यहाँ पे भी हो सकता है या यहाँ पर भी हो सकता है, ठीक है, दो पोजीशन हो सकती है माइनस में, तो इन्हें सपोज करो कि a/√2 माइनस यहाँ पर है, t बराबर से 0 पर है ये, तो अपन पहले तो a बराबर सॉरी x बराबर से a साइन ओमेगा t प्लस फाई की वैल्यू देखते हैं। अच्छा, और एक चीज और दी गई है कि ये किस तरफ चल रहा है, तो ये आपको दिया गया है कि ये पॉजिटिव x की तरफ चल रहा है, ठीक है, ये पॉजिटिव एक्स की तरफ रोटेट कर रहा है, तो ऐसे में हम क्या सोचते हैं, देखना यहाँ पर, तो एक्स की जगह कितना लिखते हैं, a/√2 बराबर से ए टी की जगह 0, तो ये साइन फाई ये कट गया, यहाँ पर फाई की वैल्यू कितनी आ गई, -1/√2, यानी साइन फाई बराबर से 1/√2, साइन के किस एंगल का मान 1/√2 होता है, तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर जो साइन के किस एंगल का माइन जो वैल्यू है -1/2 होती है, तो आप याद कर लें, तो साइन के साइन फाइव बराबर से साइन 225 यानी 225 की वैल्यू होती है, -1/√2 होती है, तो फाइव बराबर से अब 225 को आप लोग बना सकते हैं कैसे भी, यानी डिवाइड बाय 180 मल्टीप्लाई बाय पाई रेडियन में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। चलो मैं 5 से काट देता हूँ, 5 या 15 और 6 31, 5 6 20, 5 25। अब इसको हम किससे, 3 से काट दें क्या, तो 3 से 12 बार कट जाएगा ना, और 3 से ये कितने बार, 15 बार कटेगा, और काट सकते हैं इसको हम लोग, चलिए लगभग, तो 5 बराबर से आ गया 5π/4, ये आ गया। अब हम लोग इसकी इक्वेशन लिख सकते हैं x बराबर से a साइन ओमेगा t प्लस 5π/4, ठीक। अब ये वाली एंगल, अब एक बार और इसको हम लोग दूसरे तरीके से ऐसे कर सकते थे कि हमें पता है कि ये तो देखो यहां से ये 90 90 180 और ये 270 तो चल चुका है, अब इतना अपने को एंगल और निकालना था, तो वो कैसे निकाल लेते, देखो चलो, तो देखिए यहाँ पर इसकी सपोज करो ये वैल्यू कितनी बोल रही है, -1/√2 ये बोल रहा है ना, और ये आपकी निकल रही है 1, यानी a/√2 निकल रहा है और ये a निकल रहा है, और ये इसको हमने थीटा माने हैं, तो cos थीटा बराबर से कितना आ जाएगा, 1/√2 आ जाएगा, तो थीटा की किस वैल्यू का माने, थीटा बराबर से कितना आ गया 45, ठीक है, तो 45 थोड़ा आप समझ नहीं आया, पर ये जो प्रोजेक्शन है ये इस तरह से नीचे आ रहा है यहाँ पर, ठीक है, ये जो वैल्यू यदि ए है, दिख रही है आपको ये ए, तो ये कॉस थीटा वाली टर्म्स आएगी यहाँ पर, ये कितनी आ जाएगी, यानी एक्स बराबर से ये 45 आ गई, तो एक्स बराबर से ए साइन ओमेगा टी प्लस, देखो ये आप 270 प्लस 45 लिख सकते हैं यहाँ पर, 270 प्लस 5/4 लिख दूँ मैं यहाँ पर, ठीक है, अब 270 प्लस 5/4 को हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना निकलेगा, कॉस 270 प्लस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा, ये तो क्लियर है आपका, और वो भी क्या है, माइनस कॉस थीटा हो जाता है, तो माइनस ओमेगा टी प्लस 5/4,
यहाँ पर भी आएगा यही 5/4 है, तो यहाँ से भी आप हटा सकते हैं 270 करके, तो ये वैल्यू आ जाएगी माइनस ए कॉस ओमेगा टी प्लस 5/4। ठीक है, हाँ तो मैं ये बताना चाहता था कि ये देखो ये जो वैल्यू है ऑलरेडी, यानी देखो ये आपकी ए वाली टर्म्स हो गई, ये आपकी इसका प्रोजेक्शन हो गया यहाँ पर, है ना, ए बाय रूट टू का माइनस ए बाय रूट टू। तो यहाँ पर एक्स बराबर से ये ए है और ये थीटा है यानी 45 है, तो ये क्या आएगा आपका माइनस ए कॉस, यानी ये क्या आएगा आपका 45 ही, यानी 45 वाली टर्म्स ही तो आनी है यहाँ पर, तो आप यहाँ पर ओमेगा टी प्लस 5/4 लिख सकते थे। ठीक है, वैसे भी सिंपल भी आ सकता था, माइनस क्यों, क्योंकि ये नेगेटिव तरफ है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखें इस क्वेश्चन में अपने को ये गिवन है फ्रेंड्स, एक एक्स बराबर से अपने को दिया गया है माइनस रूट 3/2 ए, ये दिया गया है और ये बोला गया है कि ये प्लस एक्स की तरफ मूव कर रहा है, प्लस एक्स की तरफ मूव कर रहा है, तो आपको इसका फाई यानी इनिशियल फेस निकालना है क्या बनेगा। तो सिंपल देखो, मान लेते हैं कि ये जो है वैल्यू, यानी ये एक सर्कुलर पाथ हो गया। ठीक, अब माइनस वाली वैल्यू तो इसी तरफ ही होगी, लेफ्ट में ही होगी। ठीक है, अब माइनस वाली वैल्यू में या तो ऊपर होगा या नीचे होगा। ठीक है, या तो ये वाला पॉइंट होगा या ये वाला पॉइंट होगा, तो हम इन दोनों पॉइंटों को ही पहले तो मैच कर लेते हैं। ठीक, अब ये बोल क्या रहा है, प्लस एक्स की तरफ मूव कर रहे हैं, यदि इस तरफ जाते हैं तो ये प्लस एक्स की तरफ मूव कर रहे हैं, और यदि इस तरफ जाते हैं तो हम माइनस एक्स की तरफ मूव कर रहे हैं, है ना। तो क्या लगता है आपको, दिया गया प्लस एक्स, तो मतलब है कि ये वाला पॉइंट हो नहीं सकता, यही पॉइंट है, तो यही पॉइंट है, तो बस हमको यहाँ पर क्या फॉर्मूला निकालना है, ये पूरा इनिशियल फेस निकालना है आपको। तो कैसे निकालोगे, इनिशियल फेस निकालने के लिए देखो ये जो वैल्यू है ये आपकी रूट 3/2 और ये है आपकी, सॉरी यानी ये आपको ये ए मान लो। ठीक है, और इसका जो प्रोजेक्शन है ये हो गया आपका रूट 3/2 ए हो गया। ठीक, तो ए और ये 3/2 ए, तो फॉर्मूला क्या निकलेगा, कॉस रूट 3/2, तो कॉस रूट 3/2 की वैल्यू कितनी होती है, तो कॉस 30 की वैल्यू होती है ये। ठीक है, तो कॉस 30 की वैल्यू यानी 5/6 होती है। देखो ये 90 है, ये 180 हो गया और ये 270 हो गया, और प्लस 30 आपको निकालना है ना, आपको तो फाइव की वैल्यू मिलेगी, तो ये वैल्यू हो जाएगी एक्स बराबर से ए साइन 270 प्लस 30 प्लस ओमेगा टी, तो ये आ गया एक्स बराबर से ए 270 प्लस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा आपका 270 पे तो कॉस हो जाएगा, वो भी माइनस में आ जाएगा, तो माइनस ए 5/6 प्लस ओमेगा टी। चल तो ये फ्रेंड्स मैंने आपको ये पहला तरीका बताया। ठीक है, इसके अलावा भी आप इसका प्रोजेक्शन देखो, ये प्रोजेक्शन क्या आएगा, नीचे की तरफ आएगा, कॉस में ही आएगा, है ना, नेचुरल था आपका, तो ये आप ऐसे भी निकाल सकते थे, सिमिलर सिंपली निकाल सकते थे, माइनस में ना, तो ए माइनस ए कॉस, यहां से यहां कितना निकला आपका 5/6, तो ओमेगा टी प्लस 5/6 भी निकाल सकते थे, वेरी शॉर्ट भी निकाल सकते थे, है ना। ये आपको पता है कि ये प्रोजेक्शन तो आपका क्या है, कॉस वाला है ना, ये कॉस थीटा वाला प्रोजेक्शन है। ठीक, और ये आपका निकलने क्या था, 5/6 वाली वैल्यू। ठीक, चल अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऐसा ही आपको इस बार दिया गया है कि एक सर्कुलर पाथ में एक्स की वैल्यू दी गई है रूट 3/2 ए। ठीक है, टी बराबर से 0 पर, इनिशियल टाइम पर। ठीक है, इनिशियल फेज दिया गया है। चलिए तो अब आपको पता लगाना है कि इसका डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन क्या बनेगा। तो मान लेते हैं कि ये 3 प्लस में है, तो निश्चित रूप से या तो ऊपर होगा या नीचे होगा। अब इसमें ये दिया जाना चाहिए कि ये किस तरफ मूव कर रहा है, तो ये प्लस एक्स की तरफ मूव कर रहा है। ठीक है, प्लस एक्स की तरफ मूव कर रहा है, तो देखो यहाँ पर तो इसका जो प्रोजेक्शन होगा यहीं पर ही होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका रूट 3 ए बाय 2 और ये हो गया आपका ए,
तो इसके बीच का एंगल अभी फिर निकालेंगे वही कॉस थीटा बराबर से रूट 3/2 और थीटा बराबर से कितना निकलेगा पाई बाय 6। 30 की वैल्यू नहीं आया, 30 की वैल्यू है तो ये आपको किसकी वैल्यू निकल गई 30 की वैल्यू। ठीक है ये 30 है तो ये वैल्यू कितनी रही होगी फ्रेंड्स 60 की रही होगी ये करेक्ट है। ठीक है तो क्या बनेगा यहाँ पर इनिशियल फेज तो आपका क्या है यानी फाई की वैल्यू कितनी आ गई पाई बाय 3 आ गई क्योंकि 60 की है ना ये तो चलिए 60 डिग्री है ना पाई बाय 3। तो आप कैसे निकालोगे फ्रेंड्स यहाँ पर एक्स बराबर से ए साइन पाई बाय 3 प्लस क्या जाएगा पाई बाय 3 प्लस ओमेगा टी। ठीक है तो ये वैल्यू आ गई आपकी फ्रेंड्स। यदि यही क्वेश्चन में लिखा रहता है सेम क्वेश्चन होता है लेकिन यदि ये लिखा रहता है कि ये माइनस एक्स की तरफ मूव कर रहा है तो चेंज क्या आता बताएंगे क्या। यदि ये माइनस एक्स की तरफ मूव करता है तो ये होती है एक्स की वैल्यू है ना ये वाला पॉइंट होता है हमारा तो ये पॉइंट में फिर क्या बदल जाता है यहाँ पर अब आप बताओ। तो यहाँ पर बदल जाता है एक्स बराबर से ए साइन अब अपने यहाँ पर क्या 90 भी जुड़ जाते हैं यहाँ पर ये 90 हो जाता है और ये 30 हो जाता है तो यानी 90 प्लस पाई बाय 6 प्लस ओमेगा टी। ठीक है तो ये आ जाती वैल्यू एक्स बराबर से ए कॉस थीटा क्योंकि 90 प्लस थीटा क्या हो जाता है कॉस थीटा हो जाता है पाई बाय 6 प्लस ओमेगा टी। ये वैल्यू आ जाती है फ्रेंड्स यदि कब यदि ये नेगेटिव एक्स की तरफ मूव करता तो देखें आपको एक्स बराबर से दिया गया है ए बाय 2। ठीक है ए बाय 2 पर है और ये जो है आपको ये बताना है कि ये एक्स बराबर से 0 से एक्स बराबर से ए बाय 2 तक आने में कितना टाइम लगाया ये आपको टाइम इसमें पूछा गया है टाइमिंग बताना है। ठीक है ए से लेकर जीरो से लेकर ए बाय 2 तक आने में कितना टाइम लगा और एक आपको दूसरा भी बताना है कि ए बाय 2 से ए तक आने में कितना टाइम लगा ये दूसरा टाइम बताना है। ठीक है चलिए तो अपन समझते हैं फ्रेंड्स कैसे करेंगे। अभी ये जो है इनिशियल जो है मिड पॉइंट पर है ठीक है ए बाय 2 यहीं पर ही होगी ए बाय 2 और ए वाली वैल्यू यहाँ पर होगी। ठीक है तो ये सबसे पहले एक्स बराबर से जीरो की पोजीशन में है तो यहाँ से यहाँ तक आने में इसे टी टाइम लगा तो हमें सबसे पहले देखना है कि एक्स बराबर जीरो पर तो ये टी बराबर जीरो पर ही है यानी एक्स बराबर से ए साइन ओमेगा टी। अब यहाँ पे जीरो है तो ओमेगा टी ही ले लें। अब हमें देखना है कि ए बाय 2 तक आने में कितना फेज चला तो x की वैल्यू कितनी हो गई ए बाय 2 यहाँ पर a हो गई और यहाँ पर ओमेगा t 1 मान लेते हैं a से a कट गया साइन ओमेगा t 1 बराबर से 1/2 और साइन के किस एंगल का मान 1/2 होता है बताएंगे 30 का तो साइन t 1 बराबर से साइन 30 यानी पाई बाय 6 तो ओमेगा t 1 बराबर से पाई बाय 6। ठीक है तो ओमेगा की वैल्यू अच्छा हाँ टाइम पीरियड जरूर इसमें गिवन था इसका टाइम पीरियड मान लो आप 8 सेकेंड है। ठीक है तो क्या हो जाएगा 2π/8 टी वन फार्मूला होता है फ्रेंड्स है ना 2π/T इसका फॉर्मूला होता है बराबर से पाई बाय 6 पाई से पाई कैंसिल हो गया 2 से 8 4 बार चला गया टी वन बराबर से 4/6 यानी 2/3 लगभग इसको कितना सेकंड लगा आप डिवाइड करोगे तो 0.66 सेकंड लगा। ठीक है अब उसी पार्ट में क्या पूछा गया उसमें पूछा गया कि ए बाय 2 से ए तक आने में कितना टाइम लगा वो भी आप निकाल सकते हैं तो कैसे निकालोगे वैसे ही तो देखो यहाँ पर x बराबर से a साइन ओमेगा टी 2 मान लो है ना इस बार तो ये a तक आ रहा है a से और साइन ओमेगा टी 2 देखें अब ये एक से ये a से a कट गया यहाँ पर 1 आ गया साइन ओमेगा टी 2 तो ओमेगा टी 2 बराबर से 1 1 किसकी वैल्यू होती है पाई बाय 2 की वैल्यू होती है। ठीक है चलिए उसको थोड़ा सॉल्व कर लें तो 2π/8 टाइम पीरियड हो गया टी 2 बराबर से कितना हो गया पाई बाय 2 पाई से पाई कैंसिल हो गया टी 2 बराबर से कितना हो गया
एट बाई फोर हो गया, इसको टू टाइम काट देंगे तो जाने में कितना लगा, इसको 2 सेकंड लगा, ठीक है। 2 सेकंड में कहां से कहां पहुंच गया फ्रेंड्स, अब आप देख रहे हैं, यानी 0 से a बाय 2 तक आने में इसको लग रहा है 2/3 सेकंड, ठीक है। तो और 0 से a तक आने में लग रहा है इसको 2 सेकंड, तो इसको कहां से कहां तक, a बाय 2 से a तक आने में कितना समय लगेगा, तो 2 माइनस 2/3 यानी कितना हो जाएगा, यहां पर 3 × 6 में से 4 गया, 2 गया तो 4/3 यानी 1.33 सेकेंड। अच्छा एक बात आप यहाँ पर कंसीडर कर रहे हैं फ्रेंड्स कि देखो 0 से लेकर a बाय 2 और a बाय 2 से लेकर a, इनकी डिस्टेंस तो बराबर ही है, मतलब यहाँ पर भी डिस्टेंस a बाय 2 है, यहाँ पर भी डिस्टेंस a बाय 2 है, लेकिन पहले वाले में कितना टाइम लग रहा है, 2.2/3 यानी 0.66 सेकेंड लग रहा है, ठीक है। और जबकि अगले बार में कितना लग रहा है, 4/3 सेकंड लग रहा है यानी 1.33 सेकंड लग रहा है, मतलब कि क्या है, पहले कम समय लग रहा है, बहुत दुगना समय लग रहा है, लगभग 66 का डबल ही है ये। तो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जब सर्कुलर मोशन में क्या हो जाता, जो इसकी स्पीड होती है वो कॉन्स्टेंट नहीं होती, यहाँ पर कॉन्स्टेंट स्पीड नहीं है, कॉन्स्टेंट स्पीड नहीं है, नॉट अ कॉन्स्टेंट स्पीड, क्योंकि क्या रहता है, जैसे मान लो कि ये पेंडुलम है, ठीक है, ये मीन पोजीशन से पहले जैसे एक्सट्रीम की तरफ जाता है उसकी वेलोसिटी धीरे धीरे घटने लगती है, ठीक है, यहाँ वेलोसिटी ज़्यादा होती है, फिर धीरे धीरे कम होने लगती है, लास्ट में वी की वैल्यू 0 हो जाती है। तो पहले ये चूंकि फास्ट चलता है इसलिए कम समय लिया इनने, अब धीरे धीरे जब एंड एक्सट्रीम की तरफ जा रहा है तो क्या हो रहा है, स्पीड घट रही है, इसलिए ज़्यादा समय लिया, ठीक है। और याद रखना कि हमेशा हाफ डिस्टेंस में जितना कवर टाइम लगता है उससे दुगना समय हाफ से एंड तक जाने में लगता है, ठीक है। तो ये इस तरह से हम इस क्वेश्चन को कर सकते थे, हैं ठीक है। और इनमें आप रिलेशन भी निकाल सकते थे, जैसे चलो अपन बाद में देख लेंगे इसका रिलेशन एक अगले क्वेश्चन, चलिए देखें इनमें हम एक रिलेशन निकालते हैं। पहले हम मान लेते हैं कि हमारा जो पार्टिकल है यहाँ पर है, a बाय 2 पर है, ठीक है, और ये a तक आता है। तो सबसे पहले अब आप बताओ यहाँ पर, और t बराबर से हम मान लेते हैं 8 सेकंड, चाहे आपको दिया गया हो ना दिया गया, यदि आप लोग तो 0 से लेकर a बाय 2 तक आने में उसको t1 टाइम लगता है, a बाय 2 से लेकर a तक आने में यदि t2 समय लगता है, तो इसमें रिलेशन निकालो। तो रिलेशन निकालो तो देखो यहाँ पर ये जो प्रोजेक्शन है ये कितना आपका a बाय 2 और ये a है, तो a बाय 2 और a ये एंगल कितना रहा होगा, अब आप बताओ यहाँ पर, तो cos थीटा बराबर से 1/2 यानी 30 रहा होगा, सॉरी 1/2 कितना होता है 60, तो यहाँ पर 60, तो नहीं ये एंगल हो गया 60, तो ये एंगल कितना हो गया 30, ठीक है ना, हो गया। तो यानी यहाँ पर हमारा जो वैल्यू हो गई, ये जो है आपका पहला वाला 30 है, तो आपको पता है कि एंगल बराबर से एंगल अपॉन टाइम बराबर से आपका ओमेगा होता है ना, तो ओमेगा इक्वल टू थीटा अपॉन टाइम, करेक्ट, तो थीटा अपॉन टाइम ने थीटा बराबर से ओमेगा टी, तो थीटा फर्स्ट टाइम में कितना 3/5 यानी 30 यानी 5/6, ये आने में कितना लगा आपको 2π/T, T इंटू t1, ठीक है, पाई से पाई कट गया, तो t1 की वैल्यू कितनी आ गई, T अपॉन यहाँ पर 5/12, ठीक है। और अब कहाँ से नीचे कितना एंगल चल रहा है उसने 60, यानी यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे 5/3 बराबर से ओमेगा t2 मान लो, तो ओमेगा की वैल्यू फिर वही है 2π/T / t2, पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो t2 बराबर से आ गया आपका t/6 और t1 बराबर से कितना आपका t/12, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं t/6 × 2, तो t1 बराबर से t/6 को क्या लिख दें, t2 लिख दें, तो t2/2 हो जाएगा,
यानी आपका लगा क्या, टी टू बराबर से टू इंटू टी वन हो गया, क्लियर है ना यहाँ पर। तो जो टी टू है वो पहले का टू टाइम्स है ना, दुगना समय लगता है, ठीक है। रिलेशन भी निकाल सकते हैं। चलिए अब हम आज का एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। लास्ट क्वेश्चन में आपको ये दिया गया है कि ये मान लो कि यहाँ पर आपको एक मीन पोजिशन गिवन है, और ये जो पोजिशन है ये आपकी ए हाफ वाली पोजिशन है और ये ए पोजिशन है। तो ये नेगेटिव आपका डिस्प्लेसमेंट है। तो ये दिया गया है कि ये ए हाफ से लेकर ए हाफ से लेकर यानी मीन पोजिशन से ए हाफ तक आने में कितना समय लगाता है, ठीक है। और फिर वहाँ से दोबारा ए हाफ से लेकर ए तक और वापस इस पोजिशन तक आने में, मीन पोजिशन तक आने में कितना टाइम लगता है, ठीक है। आपको दो टाइमिंग बताना है, मीन पोजिशन से ए हाफ तक और ए हाफ से फिर वापस मीन तक आने में कितना टाइम लगाता है। तो और वही टाइम पीरियड आपको दिया गया है 8 सेकेंड। तो एक हमारे पास, अब मान लेते हैं सर्कुलर पाथ में वो बोल क्या रहा है, थोड़ा समझे यहाँ पर। मीन पोजिशन है ये, ठीक है। तो मीन पोजिशन से कहाँ तक जाना है उसको, ए बाय टू तक, ठीक है। तो ए बाय टू आपको लगता है यहीं यहीं पर ही होगी कोई पोजिशन, माइनस ए बाय टू। फिर ए बाय टू से फिर वो वापस कहाँ तक आना चाहता है, ए तक आना चाहता है, ठीक है। तो आपको ये एंगल फाइंड आउट करना है, ये दूसरा एंगल फाइंड आउट करना है और दोनों का इक्वेशन निकालना है, ठीक है। तो ये एंगल कितना रहा होगा, ठीक है, ए बाय टू है यहाँ पर। अब आप जल्दी से बताएं कि ये वाली जो वैल्यू, मान लो ये ए बाय टू हो गई और ये ए हो गई, तो ये है आपका क्या ए बाय टू और ये है आपका ए। तो थीटा आप निकालो यहाँ पर, कॉस थीटा बराबर से 1/2, तो थीटा बराबर से कितना आ गया आपका 60। तो ये 60 है तो मतलब है ये वाला 30 रहा होगा, मतलब आप सीधे निकाल सकते हो ओमेगा टी वन बराबर से 30 यानी पाई बाय 6। अब ये एंगल कितना हो गया, ये 60 हो गया, ये 90 हो गया, तो 150 हो गया। यानी ओमेगा टी टू बराबर से 50 को हम क्या लिख सकते हैं फ्रेंड्स, 150 पाई डिवाइड बाय 180। जीरो से जीरो गया, तीन से काट दो आप, तो 3 × 15 = 18, ठीक है। तो आपका क्या आ गया, ओमेगा टी वन बराबर से पाई बाय 6 और ओमेगा टी टू बराबर से 5 π/6। रिलेशन तो सिंपल ही निकल जाएगा, डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, टी वन डिवाइड बाय टी टू, ये पाई बाय 6 है तो पाई बाय 6 कट जाएगा, ठीक है, 1/5 बचेगा, ठीक है ना, पाई बाय 6 से पाई बाय 6, ये तो रिलेशन निकल गया। अब आप किसी एक में वैल्यू रख के वैल्यू निकाल लो, जैसे ओमेगा टी वन बराबर आपका है कितना पाई बाय 6, तो 2π/8 बराबर टी वन बराबर से पाई बाय 6, पाई से पाई कट गया तो टी वन बराबर से हो गया, या 4 बार कटेगा तो 4/6 2/3, यानी टी वन कितना आ गया आपका 2/3 सेकेंड, लगभग वही 0.6 सेकेंड, ठीक है। और इसके अलावा यदि आप टी वन टी टू में रिलेशन तो निकाल ही चुके हैं, तो टी टू बराबर से यानी टी टू बराबर से 5t1 आ जाएगा, 5 × 2/3 यानी 10/3 यानी कितना आ जाएगा 3.33, ठीक है। तो इतना समय लगेगा फ्रेंड्स। तो वैसे भी आप समझ सकते हैं, देखो मान लेते हैं ये मीन पोजीशन है, मीन से इसको जाने में कितना लग रहा है 2/3, यानी अपन ने इसका 8 पीरियड है ना, और ये इसकी एक्सट्रीम पोजीशन है -8। तो देखो, तो मीन पोजीशन से एक एक्सट्रीम तक 8, इसका यदि 8 सेकंड है ना, तो देखो यहाँ पर ये 2 सेकंड जाने में, 2 सेकंड आने में, 2 सेकंड जाने में, 2 सेकंड आने में होगा पूरे 8 इसका टाइम पीरियड है। तो इसका मतलब है कि यहाँ से देखो ये मीन पोजीशन तक जाता है तो लगभग यहाँ तक आ रहा है, ये पूरे 4 सेकंड में हाफ लाइफ होगी इसकी, तो यहाँ से यहाँ तक जा रहा है 2/3 सेकंड लग रहा है, तो यहाँ तक जाने और वापस आने में कितना समय लगेगा, तो 4 सेकंड में से 2 सेकंड 2/3 घटा दो तो निकल जाएगा, कितना आ जाएगा,
12 माइनस 2 बटे 3 यानी 10 बटे 3 है ना, वही आएगा क्योंकि 4 सेकंड ही, तो इसका क्या है हाफ लाइफ है ना, हाफ पीरियड हो जाएगा, टाइम पीरियड हो जाएगा। चलिए तो फ्रेंड्स इस तरह से आप इस टाइप के न्यूमेरिकल्स कर सकते हैं। तो बस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं फ्रेंड, जो मेरे चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड वॉचिंग।